एल्कीन जो बेसिकली होती है उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अगर मान लीजिए बहुत ही बेसिक एल्कीन की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एथीन, तो आपके पास में जैसी कंडीशन होती है उसमें ट्राइगोनल प्लेनर एंड एस टू हाइब्रिड। Simultaneously this one as well. टोटल आपके पास में चार बॉन्ड बन रहे हैं। ये जो बॉन्ड है वो बन रहा है किसके बीच में, एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एस। ये भी क्या है, एस पी टू एंड एस। यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसके बीच में, एस पी टू एंड एस पी टू। और जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते भाई, वो किसके बीच में है, आइदर पी एक्स और पी वाई। ये कौन बना रहे हैं, पी एक्स बना रहे हैं या फिर कौन बना रहे हैं, पी वाई। बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म द पाई बॉन्ड, दे ओनली फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। दैट्स व्हाई वी काउंट द सिग्मा बॉन्ड्स ओनली व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड। So this pi bond is basically responsible for the reactivity of alkene. और उसकी वजह से वो कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप लोगों की बात पता होनी चाहिए कि जो पाई बॉन्ड होता है वो नियरली लोन पेयर की तरह ही बिहेव करता है, बट वो दो एटम्स के बीच में शेयर होता है एंड इट इज पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसको मोबाइल यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू देयर। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं एक बार, इसके बाद बहुत ही बेसिक तरीके से डिस्कस कर लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई सी भी एल्कीन है फाइन, और उसमें आप कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड कर, तो अगर किसी भी एल्कीन में भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो आके अटैच होगा तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बो। तो कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा भाई, ये आपको पता है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल सिस्टम में आएगा तो कौन सा इफेक्ट काम करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या काम करेगा। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, शिफ्टिंग ऑफ द पाई बॉन्ड। ठीक है, जब बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड शिफ्ट मान लीजिए इस तरफ आपके पास में बॉन्ड शिफ्ट हो गया, अगर इस तरफ बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर, पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास में बनता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो होता है वो आपके पास में कार्बोकेटायन होता है, और जो कार्बोकेटायन है ये दो फैक्टर्स के थ्रू स्टेबलाइज हो सकता है, या मेनली अपन कह सकते हैं कि एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन मेन यही होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा, प्लस आई
और ये तो एक है, या फिर दूसरा हो सकता है थ्रू द रीअरेंजमेंट, मतलब ये अगर कार्बोकेटायन चाहे तो ज्यादा अमाउंट में हाइपरएक्टिवेशन इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस अचीव करने के लिए अपने आप को रीअरेंज कर सकता है ताकि ये मोर डिग्री ऑफ कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो सके, लाइक दैट 2 डिग्री और 3 डिग्री इन कंपेयर टू द 1 डिग्री दे आर मोर स्टेबल। और उसके बाद में जो इस पॉजिटिव के साथ में जो भी नेगेटिव पार्ट आएगा एल्काइन की बात करो। मैं एक बार मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने कोई HX ऐड किया या HCl ऐड किया, अगर आप HCl ऐड करें तो कॉमन सेंस की बात है H प्लस कहाँ अटैच होगा, बाहर की तरफ, ताकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आए, ऐसी कंडीशन आएगी CH3 C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड और उसके बाद Cl आके अटैच हो जाएगा, तो ये कंडीशन आती है CH3 CCl डबल बॉन्ड CO। फिर जब नेक्स्ट टाइम आपके पास में पॉजिटिव चार्ज या जो एच प्लस आता है वो भी आपके पास में एच प्लस जो है वही यहीं आके अटैच होगा ताकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आए। हालांकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अब कौन सा इफेक्ट होता है ऐसा जो आपके पास में ग्रुप कनेक्टेड है उसका जो प्लस एम इफेक्ट है उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या चाहता है कि वो यहीं आके कनेक्ट हो। मतलब आपने HCl ऐड किया फॉर एग्जाम्पल इसमें, तो कंडीशन कैसी आएगी, कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट होगी सी पॉजिटिव चार्ज सी एल और सी एच थ्री, तो दूसरा सी एल यहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटेन बन रहा है हालांकि वहाँ सी एल अटैच है लेकिन उस सी एल का कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट। और इसी के बेसिस पर मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ते हैं कि जुड़ने वाले ग्रुप का नेगेटिव पार्ट वहीं जाता है जहाँ पहले से प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर पहले से कहीं प्रेजेंट होगा नेगेटिव पार्ट उसका मतलब उसके पास में लोन पेयर है, और उसके पास में लोन पेयर है तो वो क्या कर देगा, जहाँ भी उसके पास में कार्बोकेटायन बनेगा उसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है ना। ये मार्गोनिकोफ का सेकंड रूल है और वो इसी बात पे बेस्ड है, किस बात पे, रेजोनेंस, ठीक है ना। इसलिए जुड़ने वाले ग्रुप का नेगेटिव पार्ट वापस नहीं जाता है जहाँ पहले होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था।